नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पार्ट सेल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उस रिजल्ट से कोई भी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, जो नीट की स्पेशल कोचिंग कराते हैं, उनके जो सर लोग हैं उस पर उन्होंने भी आवाज उठाई है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ। जैसे कि पूरा में पूरा मार्क्स अगर कोई लाना चाहे तो 720 ला सकता है, लेकिन अगर वो उससे कम में देखा जाए, उसके बाद 720 के बाद अगर कोई मार्क्स है तो 715 या 716 आ सकता है, या कोई क्वेश्चन छोड़ दे तो 716 और कोई क्वेश्चन एक गलत कर दे तो 715। लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स 718 और 19 भी उसके रिजल्ट में दिख रहा है, और उसके बाद भी कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं कि एक ही सेंटर से टॉपर्स है और लगातार वो नंबर जो है वो इस सीरियल में फॉलो हो रहा है। इससे पहले भी जब एग्जाम दे बच्चे देकर आए थे तो पेपर लीक का जो मामला था बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, बहुत लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं NTA, ये हमारे देश के लगभग टॉप 10 एग्जामों को कंडक्ट कराता है। जेई मेंस कराता है, नीट कराता है, CUT UG PG कराता है, नेट का एग्जाम कराता है, मतलब ओवरऑल हमारे देश में जहां सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं ये पूरे एग्जाम NTA अकेले कराता है। जबकि मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे देश में कम से कम NTA जैसे 10 इस कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, 10, उससे कम नहीं, क्योंकि NTA इतना गड़बड़ कंपनी है, इसके इतने सारे कंप्लेन हो चुके हैं, इसके कई सारे केसेस जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कभी भी NTA पे ना कार्रवाई कर रही है, ना ही NTA उसमें सुधार ला रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक एक बात हो चुकी है। एक इस पे शिक्षा में इस तरीके का जो बदलाव है, जो गड़बड़ बदलाव है, जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और इस पे चुप्पी साधे हुए सब लोग हैं। अब नीट के एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी, उसके बाद रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी, लेकिन पूरी सोशल मीडिया शांत है, पूरे के पूरे लोग बस प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर यही इनके पास अगर कोई न्यूज नहीं होता तो इसको हाईलाइट करते, लेकिन ये हमेशा बच्चों के भले के लिए नहीं, अपने TRP के लिए, अपने व्यू और अपने सब्सक्राइबर के लिए ही वीडियोज बनाते हैं। अभी ये वीडियो मैं आपके सहयोग के लिए बना रहा हूं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपने सोशल मीडिया का सही यूज करें, ट्विटर पे जाएं, एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन हमारे जो एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ठीक है, CUET को, NTA को, CBSE को, इन तमाम लोगों को और कई सारे न्यूज चैनल्स को आप लोग टैग करके और अपनी बातों को रखें, जिससे कि न्याय मिल सके, क्योंकि अभी CUT UG और UG का रिजल्ट आना बाकी है। और आपको मैं बता दूं कि अगर ये गड़बड़ी के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो एकदम सेम CUT UG बच्चों के साथ भी हो सकता है। हुआ भी है कई बार, जैसे इस बार GT के पेपर के लिए समय नहीं दिया गया, बच्चे कह रहे हैं कि सेंटर पे गए वो जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते तब तक टाइम ओवर हो चुका था, और उनसे बीच में कई बार साइन और फलाना ढिमकाना काम कराया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो व्यवस्था है बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये बस एक पैसा कमाने की संस्था हो चुकी है, यहाँ पे बस पैसे आप भर भर के लोग अपने फॉर्म के नाम पे पैसे लेते हैं और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, ठीक से एग्जाम तक नहीं करा सकते हैं, ना ही आंसर की ठीक से आता है, ना ही इनका रिजल्ट ठीक से आता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज सब लोग एकजुट हो जाएं, इस चैनल पे सब लोग जुड़ जाएं, जिससे कि कमिंग समय में हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके ऑनलाइन कंपेनिंग कर सकें और इसको ट्रेंडिंग में ला सकें, जिससे कि इन्हें औकात पता चले कि नहीं अगर आप गलत करोगे तो हम लोग आवाज जरूर उठाएंगे। प्लीज आप सभी से निवेदन है, पूरे स्टूडेंट से निवेदन है कि CUT UG रिजल्ट आने से पहले ये कंपेनिंग जरूर एक बार होनी चाहिए, जिससे कि NTA एक बार रिजल्ट निकालने से पहले, आंसर की निकालने से पहले हजार बार उसको चेक कर ले कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर गड़बड़ी करता है तो हम लोग कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुझ पर बस यूनिटी होनी चाहिए। सो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि अपने सोशल मीडिया का फायदा जरूर उठाएं। लास्ट में जाते जाते एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर जो है वो नीट का लीक हुआ था और इसका जो सबूत है आप ये देख लो कि टॉपर कई सारे हैं, इवन इस बार लगभग 660 तक पाने वाले बच्चे जो हैं वो 20,000-30,000 रैंक पे खड़े हैं। अगर इस तरीके का रिजल्ट है और आप लोग को डाउट है तो रिजल्ट आप लोग को पता है कि नकल करने वाले यानी जो पेपर लीक हुआ है और जिसको मिला है वो आप ही लोग हो। अगर आप कोई भी आपका हेल्प नहीं कर रहा है तो ये बड़ा ही इथिकल मोरल बात कर रहा हूँ, बड़ा ही आइडियल बात है, लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप खुद सोशल प्लेटफॉर्म पे आके ये चीज कबूल करो, कन्फेस कर लो कि हाँ मेरे को पेपर मिला था या पेपर लीक हुआ था, मैंने उसका फायदा उठाया था। अगर इस तरीके के 20-30 बच्चे भी अपना अगर कन्फेशन सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो मैं श्योर हूं कि इस पे एक्शन होना तय है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप चाहो तो सोशल मीडिया पर कन्फेशन डालो और बोलो कि हाँ ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस के थ्रू मुझे मिला था। और आपके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अब आपके सामने खुद चल के आया था तो आपने उसको बस देखा और आप भी श्योर नहीं थे।
तो प्लीज मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे अगर आप कन्फेशन कर सको, कन्फेस कर सको तो प्लीज आप जरूर करो। ट्विटर पे अपना शॉर्ट वीडियो बना के जो भी उसके एविडेंसेज हैं वो सब के साथ आप ट्विटर पे एजुकेशन मिनिस्टर एमदेव कुमार, सीयूटी, एनटीए, इन तमाम चीजों को जो है वो टैग करके जस्टिस मांग सकते हो। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को जल्दी से लोगों तक शेयर कर दो जिससे कि लोग यूनाइट हो जाएं और यहाँ पे जुड़ जाएं। कमिंग डेज में हम लोग कंपेनिंग जरूर करेंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।